13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे थम गया। इस चरण में 10 राज्यों में लगभग 96 स्थानों का चयन किया जाएगा। वहीं 1717 उम्मीदवार चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से, केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा थेनी खीरी से, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से, भाजपा नेता पंकजा मुंडे बीड से, टीएमसी की महुआ मोइत्रा कृष्णनगर से। इस चरण में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13, बंगाल की 8, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट समेत सभी 17 सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 25-25 सीटों पर मतदान होगा। इन 96 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने नेतृत्व वाली एनडीए पार्टी के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, खीरी, धौराहार, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में मतदान होगा। पिछले चुनाव में ये सभी सीटें बीजेपी की थीं। इस समय मध्य प्रदेश में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोना और खंडवा, बिहार में दरभंगा, उजलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मंगल तथा सिंहभूमि, बिहार में खूंटी, रायगिरी और लोहार विधानसभा क्षेत्र होंगे। नायक, पालम, कुर्सियां वोटिंग झारखंड में होंगी। जम्मू कश्मीर में जिला मुख्यालय श्रीनगर के अलावा बंगाल में बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्दमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बेलपुर, बरहमानपुरबा और बीरभोक में भी चुनाव होंगे। ओडिशा की कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर और कोरापुट सीटों पर उम्मीदवार के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। महाराष्ट्र में इस चरण में नंदुरबार, जलगांव, राबेर, जालना, औरंगाबाद, मालप, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड शहरों में मतदान होगा। भाजपा के केंद्रीय मंत्री रेओ साहेब धनबे जालना से और रकाम्पा सपा अभिनेता अमोल किल्ले शिरूर में चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों के लिए एक साथ मतदान होगा। गौरतलब है कि इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 89 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। तीसरे चरण में 11 राज्यों में 93 लोकसभा सीटों को चुना गया है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।